नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब मज़े में होंगे। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का क्वेश्चन पेपर, गाला का सॉल्यूशन, क्वेश्चन पेपर नंबर 6। ओके, सेक्शन सी। ए बी अपलोड हो चुका है, 5 तक पेपर्स अपलोड हो चुके हैं, बस सेक्शन सी और उसके बाद एक जो रहेगा सेक्शन डी, फिर आपका साइंस का प्लेलिस्ट जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इसका प्रिपरेशन करते रहिए और चलो अभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्या कह रहा है, वट आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड एक्सप्लेन गिविंग टू एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब तो पता ही बच्चों हम लोगों को, जहाँ पे हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं या तो फिर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, कोई भी एक चीज लिखनी होती है इसके अंदर तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे H2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो पानी बन गया, H2O बन गया। ओके, एंड रिडक्शन के अंदर सिमिलरली क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट, मतलब यहाँ पे आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं या तो फिर ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन। कोई भी एक चीज याद करना, अगर आप ऑक्सीडेशन याद कर लेते हो ना कि लाइक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो अब सीधा ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और फिर उसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या लिख दोगे, रिडक्शन में। तो एक ही चीज याद करनी है कोई भी एक रिएक्शन का, बाकी के 3 पोर्शन अपने आप कवर अप हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे CuO, O इसके पास अवेलेबल है, Cu में से O को हटाना है, आई मीन ऑक्सीजन को हटाना है, तो H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया बच्चों, H2O बन गया और Cu अकेला हो गया। इन्होंने कहा है कि 2 एग्जाम्पल भी दे दो, तो ये रहे 2 एग्जाम्पल। पहला वाला जो एग्जाम्पल है ये वाला, वो है ऑक्सीडेशन के लिए, और ये वाला जो एग्जाम्पल है वो है रिडक्शन के लिए। ठीक है बच्चों, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द कॉपर मेटल विद अ डायग्राम। तो ये रहा डायग्राम इसका, ठीक है, जहाँ पे आप यहाँ पर कैथोड ले लेते हो, माइनस साइन इसके लिए कैथोड हो गया, यहाँ पे एनोड हो गया, ये इम्प्यूरिटी मर्ड है, ठीक है। तो ये पूरा लेबलिंग है और ये इसका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का मतलब क्या हो गया बच्चा इसके अंदर, कि हम लोग लाइक इम्प्योर कॉपर जो है मेटल ना, इम्प्योर कॉपर मेटल जो है उसको प्योरीफाई करने के लिए हम उसको कहाँ पे ले रहे हैं, एनोड पे ले रहे हैं। एनोड मतलब कि हम उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और प्योर कॉपर की पतली सी हम लोग एक रॉड ले लेते हैं कैथोड की तरफ, ठीक है, जहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, और जो अंदर सॉल्यूशन है आपको दिख रहा है ना पानी वाला, ये पूरा, ठीक है, ये जो पूरा पानी वाला सॉल्यूशन है वो हम कौन सा ले लेते हैं, सॉल्ट ऑफ कॉपर, दैट मीन्स ऑलमोस्ट अपन कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, और थोड़ा सा H2SO4 ऐड कर लेंगे ताकि थोड़ा सा रिएक्शन फास्ट हो, ठीक है। अब प्रोसीजर में क्या होगा, पूरा सेटअप कर लिया हम लोगों ने, तो पॉजिटिव चार्ज जो कॉपर आयन्स है, ठीक है, Cu2+, वो अट्रैक्ट होंगे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रो मतलब कैथोड की तरफ, और इस तरीके से जो कैथोड की तरफ जो पतली से हमने डंडी बनाई थी प्योर कॉपर की, वो धीरे धीरे मोटी होती जाएगी, और एनोड की तरफ जो मोटी डंडी थी वो धीरे धीरे गलती जाएगी, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज इस तरीके से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ये रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर लिख के आना। देखिए रिएक्शन और लिखोगे और डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, तो आप समझ लीजिए कि आपने हाफ बैटल तो यूं ही आपने विन कर ली, ठीक है। फिर तो थोड़ा बहुत आप प्रोसीजर अगर तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इतना कुछ रटाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चेकर का बिल्कुल ध्यान अगर आपको अट्रैक्ट करना है अपने आंसर की तरफ, तो रिएक्शन और डायग्राम इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, ठीक है। अब मैंने काफ़ी सारी दी आपको इसमें, जो भी 6 पसंद आती है, फिजिकल है मतलब लस्टर हो गया, चमकता है ना मेटल, हार्ड होता है, मेलिएबल होता है मतलब कि हम उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं हथौड़े मार मार के, फिर आता है डक्टिलिटी, ठीक है, अगेन इसको हम हैमरिंग कर करके थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम डक्टाइल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आप लिख देना आपको जो भी 6 अच्छे लगते हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट 29, डिस्क्राइब द ह्यूमन ब्रेन विद फंक्शंस ऑफ इट्स डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो बेसिकली ह्यूमन ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन मतलब ये आगे वाला हिस्सा, खोपड़ी इसको हम कहते हैं, जो बहुत लाइक लार्ज पार्ट होता है, और वो वही मेन हिस्सा होता है जहाँ से हमारी सोच शुरू होती है, दैट मीन्स कि इट इज़ अ थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके लिए हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, पता है ना, टंग हो गया, आइस हो गया, ईयर्स हो गया ना, स्किन हो गया। तो ये जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ये जो कोई भी चीज़ रिसेप्ट करते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ रिसीव करते हैं, अब किसी को चूटी काटो, कहीं से बदबू हो रही है, खुशबू आ रही है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ जाती हैं, ब्रेन के पास, फॉरन ब्रेन में जाती हैं, फिर वहाँ पे वो अलग अलग सेंसेस के हिसाब से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो पूरा फॉर ब्रेन का एक्सप्लेनेशन है, ये रहा ब्रेन का डायग्राम जो ड्रॉ करना है 3 मार्क में। अगर आपको ये नहीं दिया हो ना कि डायग्राम इज़ नॉट नेसेसरी, तब ड्रॉ मत करना,
बट अगर कुछ भी नहीं बोला हो और 3 मार्क का क्वेश्चन है, आपको नहीं बोला कि डायग्राम ड्रॉ करो और 3 मार्क का है तो डायग्राम ड्रॉ करके आना, ओके okay? भले नहीं लिखा हुआ हो, जब लिखा हुआ कि नहीं ड्रॉ करना तो मत ही करना, बट अगर कुछ नहीं लिखा हो तो ज़रूर आप ड्रॉ करके आना, ये आपके अट्रैक्टिव पॉइंट्स होते हैं, ओके okay? फिर आता है ये मिड ब्रेन और ये आ गया हिंड ब्रेन, छोटे छोटे से ये। चलिए बच्चों चलते हैं आगे हम लोग। नाउ डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये रहा डिफरेंस बिटवीन, ओके। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से अलग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, हालांकि क्वेश्चन इनवैलिड है, मतलब ही नहीं आता, क्योंकि अब जब डिफरेंस बताते तो उसमें वो चीज़ क्लियर हो ही जाता है कि सेक्सुअल क्यों डिफरेंट है एसेक्सुअल से, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन ही आंसर होना चाहिए, बट अभी क्या 3 मार्क के हिसाब से है और उन्होंने पूछा तो मैंने आपको ये वाला स्टेटमेंट्स दिए दिए हैं, बात कुछ भी नहीं है, जो आप डिफरेंस लर्न करोगे ना उसी के अंदर में से निकला हुआ है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और एसेक्सुअल में मेल फीमेल नहीं चाहिए होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल चाहिए होते हैं, ठीक है, तो उनके जो जीन्स होते हैं वो आपस में इंटरमिंग हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और पूरे स्पीशीज जो होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है अपने पेरेंट्स से। एसेक्सुअल में जो स्पीशीज होगा वो आइडेंटिकल होता है, तो वो तो आप देखना आपको उसमें ही दिया हुआ है यहाँ पर ही, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं था, बट अभी ये गाला वालों ने दिया है, मुझे कुछ क्वेश्चन गाला वालों के यूजलेस लगते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन्स, इन व्हाट वे होमोलोगस ऑर्गन्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। अभी 3 मार्क का है और इतना आंसर हमारे पास है ही नहीं, इसको 3 मार्क में, इसको 2 मार्क में डालना चाहिए था, ठीक है। तो अब क्या है मीनिंग, तो मीनिंग ये है कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है और फंक्शन उनके अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल दे दो ना, बोन ऑफ फोर लिम्स ऑफ फ्रॉग लिजार्ड बर्ड मैन। अब ये एविडेंस क्यों है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम सब के जो पूर्वज है ओके वो सेम है, मतलब कि दे हैव द कॉमन एंसेस्ट्रल एनिमल, बस इतना ही और कुछ नहीं है। तो ये 3 मार्क जैसा तो बट ऑब्वियसली आप बोलोगे अजीब ही है। चलिए नाउ एक्सप्लेन द कैरेक्टर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन्स, ठीक है। तो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जीन्स के कंट्रोल में होते हैं, क्यों कैसे। अब देखिए हमें पता है कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जीन्स कैरी करता है, तो डीएनए जो सेगमेंट होता है ठीक है वो इन्फॉर्मेशन करता है और प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, इसको हम जीन कहते हैं। ये जो जीन्स होते हैं उन्हीं के अंदर जो है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो लाइक केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं। ये रिएक्शंस जो होते हैं वो एंजाइम की मदद से होते हैं और एंजाइम के अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन से मिलके बनते हैं। एक्चुअली पूरा खेल प्रोटीन का ही होता है, ठीक है। अब प्रोटीन के कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं और उस टाइप के हिसाब से कैरेक्टर बनना शुरू होता है। प्रोटीन सिर्फ उतनी नहीं होती जितना हम दाल में खाते हैं, ओके। देयर आर सेवरल अदर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ऑल्सो। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हाइटनेस टॉलनेस आप देख लीजिए, जो एक प्लांट का कैरेक्टर है ठीक है, तो प्लांट के पास वो हॉर्मोन होता है जो ट्रिगर करता है ग्रोथ को, मतलब फटाफट से ग्रोथ कर लेता है। अब ये पर्टिकुलर हार्मोन ही होता है ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एंजाइम में से निकलता है और वो इस हार्मोन को कैटलिस्ट, मतलब कि पुश करेगा, मतलब किस हार्मोन को, हाइट वाले हार्मोन को पुश करेगा ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने दिया कि जीन अगर चेंज हो जाएगा तो फिर एंजाइम इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, और इन शॉर्ट इतना ही है कि भाई जीन के हिसाब से ही पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड डिस्क्राइब द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। अब बेसिकली ये चीज़ गलत है, यहाँ पे मिरर नहीं लेंस आना चाहिए, क्यों बता रही हूँ मैं। देखो क्या बोला गया, वेंस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे ना बेटा, तो कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा कोई डायग्राम बनता ही नहीं है ना। आपको याद होगा सिर्फ 2 या 3 डायग्राम है, ये वाला तो डायग्राम है ही नहीं, तो वो डायग्राम बनता ही नहीं है। तो उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो कॉन्वेक्स मिरर को कॉनके में कन्वर्ट करो, या तो मिरर को लेंस में कन्वर्ट करो। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी ठीक लगी, तो मैंने मिरर को लेंस में कन्वर्ट कर लिया। भाई क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, आप अभी स्कूल के मैम वगैरह से भी, आपके जो फैकल्टी मेम्बर्स होंगे उनसे एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। सो ये हमारा लेंस हो गया कॉन्वेक्स लेंस ठीक है, 2F1, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा। और हमें पता है लेंस हो गया मिरर हो, ऑब्जेक्ट जो होता है वो फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, उल्टा बनता है यहाँ पर ठीक है। तो अभी कहा है कि बता दो कि पोजीशन नेचर और साइज़ क्या होगी। तो साइज़ तो भाई सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट ठीक है, पोजीशन क्या होगा, अदर साइड ऑफ द लेंस ठीक है, लेंस के राइट साइड की तरफ आया है ओके। तो यही हो गया पोजीशन ओके, लेंस आ गया, साइज आ गया और नेचर आया। नेचर क्या कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड, उल्टा है ना ठीक है। तो ये रहा पहला पॉइंट, द रियल इन्वर्टेड इमेज ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ में दिया हुआ है। चलो बच्चों
नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, स्टेट द पोजिशन ऑफ द इमेज. ठीक है, तो अब सॉल्यूशन क्या है इसका. सॉल्यूशन यहाँ पे है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ, अब u क्या है, u है माइनस 20 सेंटीमीटर. ओके, क्या दिया हुआ है, कॉनकेव लेंस दिया हुआ है. ओके, ध्यान देना क्या है, कॉनकेव लेंस दिया हुआ है यहाँ पर. ओके, और क्या बोला गया, फोकल लेंथ f दिया हुआ है, क्या माइनस 30 सेंटीमीटर. ना बच्चों देखो, इन्होंने क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 30 ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, स्टेट द पोजीशन ऑफ द इमेज. मतलब हमें v निकालना है यहाँ पर. ठीक है, क्लियर हुआ, तो हम यहाँ पे v निकालना है. सो अब लेंस है, तो लेंस के हिसाब से फॉर्मूला क्या होगी बेटा. सो 1 upon f = 1 upon v - 1 upon u. ओके, सो 1 upon f इज 1 upon -30 या -1 upon 30. v हमें निकालना है और u क्या हो गया, -20. ठीक है, चलिए. सो क्या हो जाएगा, -1 upon 30 = 1 upon v. ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया, +1 upon 20. अब ये 1 upon 20 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1 upon 30 - 1 upon 20 = 1 upon v. ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पे ध्यान दो. सो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का, 60. ओके, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर ले और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर ले. सो -2 - 3 whole upon 60 = 1 upon v. ओके, -5 upon 60 = 1 upon v. 1 जा 12 जा. ओके, तो क्या हो जाएगा, -1 upon 12 = 1 upon v. तो v इक्वल्स टू -12 सेंटीमीटर. ओके, सो ये रहा v हमारा, दैट मीन्स पोजिशन ऑफ इमेज. आइए बच्चों आगे शुरू करते हैं हम लोग. इन अ सर्किट द रजिस्टर्स R1, R2 and R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज. द रजिस्टर्स R1 हैव द वैल्यू 5 ओमेगा, R2 हैज द वैल्यू 10 ओमेगा एंड R3 हैज द वैल्यू 30 ओमेगा, विच हैव बीन कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट. वोल्टेज दिया हुआ है आपको 12 वोल्ट. ओके, अब क्या कैलकुलेट करना है. अच्छा, कनेक्शन कैसा है, सीरीज कनेक्शन, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, सीरीज कनेक्शन. अब क्या बोल रहा है बच्चा यहाँ पे, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच सर्किट. अब देखो सीरीज कनेक्शन में तो करंट जितने भी रजिस्टर लगा दो सब सेम ही होते हैं, है ना. तो अगर उस हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं, सो करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स, तो वी नो लाइक ओके इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन करंट इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स. ठीक है, सब रजिस्टर्स में करंट जो होता है वो सेम होता है. तो देयरफॉर हम लोग पहले टोटल रजिस्टर्स निकाल दें, तो R1, R2 और R3 को हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 + 10 + 30, तो कितना हो गया, 45 ओमेगा. ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर ले, तो एज पर द ओम्स लॉ V = IR. ओके, सो V कितना है हमारा, 12 वोल्टेज, I हमें निकालना है और ये कितना हो गया, 45. सो 12 upon 45 = I. ओके, तो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा 0.26 एम्पियर. तो इसका मतलब कि सबके सब रजिस्टर्स में से कितना करंट फ्लो होगा, 0.26 एम्पियर. इतना क्लियर हो गया. चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल करंट इन द सर्किट. ठीक है, पूरे सर्किट में कितना करंट, तो सेम ही होगा ना, हर एक रजिस्टर में इतना करंट जा रहा है, हमें पता है पूरे रजिस्टर में सेम करंट होता है, तो इतना ही करंट फ्लो होगा पूरे सर्किट के अंदर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लोस इन सर्किट इज 0.26 एम्पियर. और तीसरा क्या कह रहा है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. अब वो तो हमने पहले निकाल दिया. ठीक है, सो आर एस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस 45 ओमेगा. ठीक है बच्चों, क्लियर ना. चलिए
अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फॉसिल फ्यूल एंड स्टेट इज डिसएडवांटेज. अब फॉसिल फ्यूल आप लोगों को बचपन में सिखाया गया है, ठीक है. फॉसिल फ्यूल मतलब कि वो फ्यूल जो बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन से बनता है, जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी डेड बॉडी बरेड होती है, ठीक है. तो ये सब नेचुरल प्रोसेस. डिसएडवांटेजेस क्या है, तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, ठीक है. इनके अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसके वजह से पॉल्यूशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है. ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब फिर से रिन्यू नहीं कर सकते हम लोग. मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको फिर से बनाने में, और वो भी नेचुरली, आप लैब में इसको नहीं कर सकते हो. ये फॉसिल फ्यूल्स जो है वो एसिड ड्रेन कॉज करते हैं. जब इसको हम बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी कुछ गैसें निकलती हैं उसके अंदर से, जो मतलब क्या बोले, थोड़ा बहुत ना अस्थमा वगैरह प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को, साथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट करती है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट काफ़ी कॉज करती है. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. सो बच्चा पार्टी, यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन सी जो है वो फिनिश कर लिया. आई होप आपको पूरा क्लियर हो चुका है. ओके, फिर भी कुछ डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा मुझसे, बता दूंगी आपको कमेंट करके, उसका रिप्लाई करके. और वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा. चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स को भी चैनल रिकमेंड कीजिए. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट आई एम विथ यू विथ इन दिस डिफिकल्ट जर्नी, और जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, आप लर्निंग पर ध्यान दीजिए, मैं उसी पर कोशिश में लगी पड़ी हूँ. तो चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. 27 को आपके प्री बोर्ड्स हैं, अच्छे से जम के मेहनत कीजिए. अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सेक्शन को डिस्कस करने के लिए. कीप लर्निंग, कीप हार्ड वर्किंग. बाय बाय, टेक केयर बच्चा.